अपने क्लास वालों के साथ? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यकीन आएगा भी कैसे, सबने उसे मुकद्दस गायें जो समझा हुआ था। वैसे मेहर दिखने में लगती तो नहीं है ऐसी। हाँ, दिखने में तो 100 मिसकीनों की एक मिसकीन लगती है, लेकिन शक्ल से क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो पहले ही कहा था कोई ना कोई बम जरूर फटेगा, देखो वही हुआ। चलो कम से कम तुम्हारे अब्बा का गुरूर तो टूटा, वरना सारी जिंदगी तुम्हें ताने सुनने पड़ते। ऐसा वैसा टूटा है? बाबा तो इतने नाराज है, मेहर से बात भी नहीं कर रहे। अमीर जादे को फांसे बैठी है, जबी तो तुम्हारी बहन नाक पर मक्खी भी बैठे नहीं देती थी। अरे छोड़ो, आसमान से जमीन पे भी तो आ गिरी है। खुआर करा के दिखा दी ना अमीरजादे ने औकात। बेचारी कॉल्स पे कॉल्स करती रही, एक का रिप्लाई नहीं दिया उसने। मजबूरन फहद के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया उसने अम्मी बाबा के सामने। चलो अब दुआ करो कि ये रिश्ता खैरियत से हो जाए और हमारी बारी आए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई नया फड्डा डाल दे हमारी शादी में। डाल के तो दिखाए, पहले तो नेक परवीन बनी रहती थी इसलिए हर कोई हिमायत करता था, मैं भी लिहाज कर लेती थी। अब नहीं करूंगी, टिकाओ के जवाब दूंगी। देखती हूँ कैसे रुकावट डालती है ये हमारी शादी के बीच में।